लोक जनशक्ति पार्टी जब दो फाड़ में हुई थी तब से ही ये कयास लगाए जा रहे थे कि चिराग पासवान ही स्वर्गीय रामविलास पासवान के असली वारिश होंगे। और अब जब लोकसभा चुनाव 2024 में चिराग पासवान ने पांचों सीट जीत लिए हैं तब ये माना जा रहा है कि स्वर्गीय रामविलास पासवान के सही मायने में वारिस उनके भाई पशुपति पारस नहीं थे बल्कि उनके बेटे चिराग पासवान ही है। पांचों सीट जीतने के बाद चिराग पासवान के घर उत्सव मनाए जा रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, लड्डू पेड़े बांटे जा रहे हैं और अबीर गुलाल के साथ खुशियां मनाई जा रही है। देखिए हमारे संवाददाता सागर कुमार की चिराग पासवान के घर से स्पेशल रिपोर्ट। चिराग पासवान के आवास पर हम मौजूद हैं और हमारे ठीक पीछे ढोल नगाड़े बज रहे हैं, लड्डू बांटी जा रही हैं, क्योंकि देखिए चिराग पासवान ने बहुत बड़ी जीत जो है वो हासिल की है। देखिए जब से ही एनडीए गठबंधन में वो शामिल हुए और उसके बाद उन्हें 5 सीट दिया गया, पशुपति पारस जो उनके चाचा थे लगातार वो हाजीपुर में चुनाव लड़ने की जिद कर रहे थे लेकिन उसके बावजूद हाजीपुर सीट ही नहीं बल्कि उसके साथ साथ 5 जो सीट है वो दिया गया, तो वो 5 सीट पर एक बड़ी बढ़त चिराग पासवान ने बनाई है। केवल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन को भी कहने का एक बड़ी मजबूती होती है। देखिए तमाम जो कार्यकर्ता है पूरे बिहार के कोने कोने से चिराग पासवान से मिलने के लिए वो पहुंचे हुए हैं। चिराग पासवान पूरी तरह से खुश दिखाई दे रहे हैं, उनके जो चेहरे हैं रंग गुलाल से भरे हुए, उनके अपने माता जी के साथ है, तमाम जो कैंडिडेट्स हैं वो भी उनके साथ है। अरुण भारती जो जमुई से प्रत्याशी हैं, चिराग पासवान के जीजा हैं, वो भी मौजूद हैं। देखिए हम दिखाएंगे, तमाम मीडिया हाउसेस भी पटना की चिराग पासवान के आवास पर पहुंच चुकी है, भीड़ इतना ज्यादा है, खचाखच पूरा चिराग पासवान का आवास भर गया है। हम आपको बताते चले चिराग पासवान ने एक बहुत बड़ी जीत हासिल की है और केवल अपने पार्टी के लिए नहीं बल्कि एनडीए गठबंधन की मजबूती के लिए भी चिराग पासवान जो है काम कर रहे हैं। चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। जब अब देखिए जैसे जैसे रुझान खत्म होते जाते हैं, रुझान परिणामों में बदलते जा रहे हैं, वैसे वैसे एनडीए गठबंधन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। हालांकि बहुमत के करीब जरूर एनडीए गठबंधन पहुंच चुका है, बावजूद इसके जो दावे किए जा रहे थे 400 पार और बिहार में 40-40 उसमें कहीं ना कहीं आशंका भी कर रही है, लेकिन चिराग पासवान ने अपना प्रदर्शन बेहतर किया है और यही जो जीत का आलम है, खुशी का आलम है वो आप देख पा रहे हैं। चिराग पासवान को भी हम आपको दिखाएंगे, उनसे भी बात कराएंगे। देखिए चिराग पासवान यहाँ पर मौजूद है, चिराग पासवान के चेहरे को देखिए पूरी तरह से चिराग पासवान और उनकी माता जी साथ में उनके जीजा जी उसके प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी मौजूद है, तो तमाम जो लोजपा के कार्यकर्ता है वो भी आप देख पा रहे हैं कि एकजुट दिख रहे हैं, खुश दिख रहे हैं। अभी चिराग पासवान सीढ़ी पर ही है और पूरी तरह से रंगों से लबरेज है, रंग से भरे हुए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी जीत जहां पूरा एनडीए गठबंधन एक सकते में है, जो दावे किए जा रहे थे वो दावा पूरा नहीं कर पाया, जो एग्जिट पोल में दिखाए गए थे उन सभी परिणाम धराशाही हो गए, लेकिन चिराग पासवान का स्ट्राइक रेट अब बात की जाए, पहले पिछले बार भी चिराग पासवान का उनकी पार्टी का स्ट्राइक रेट अच्छा रहा है, बेहतर रहा है और इस बार भी चिराग पासवान ने जब पूरा एनडीए गठबंधन एक तरह से धराशाही कहे हो गया तब चिराग पासवान ने मोदी को